ग्यारहवां दिन शुरू हो चुका है। दसवें दिन जो पांचवें चरण की वार्ता हुई है उसमें कोई हल नहीं निकला और पांचवें चरण की वार्ता तक किसान जो सिंधु बॉर्डर, वो आपका टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के सभी बॉर्डर से एकत्रित होकर विज्ञान भवन पहुंचे, लेकिन वहां से अमला वापस आया खाली और उस खाली अमले को कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इस वक्त हम मौजूद हैं, रात के लगभग एक डेढ़ बजे का वक्त है, एक से डेढ़ बजे का वक्त है, सवा एक हुए हैं इस वक्त, और यहाँ इस वक्त माहौल शांतिपूर्ण है, बेहद शांतिपूर्ण है। हालांकि बॉर्डर जो है पीछे मेरे, वहाँ पर RPF लगा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स पहले से ही वहाँ पर तैनात थी, लेकिन दो दिन से ये बॉर्डर RPF के हवाले कर दिया गया है कि कोई अगर अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए। केजरीवाल सरकार ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया है और हर तरीके से आवभगत करने की तैयारी में है, लेकिन केंद्र की सरकार किसी तरीके से पक्ष में जाने को तैयार नहीं हो रही है। अभी भी मतभेद जारी है। चौथे चरण की वार्ता लगभग 7.5 घंटे चलने के बाद विधिवत संपन्न हुई। कल अभी 1:15 बजे का वक्त है, अगला दिन शुरू हो चुका है, 11वां दिन शुरू हो चुका है। 10वें दिन पांचवें चरण की जो वार्ता हुई वो भी लगभग 5 से 6 घंटे तक चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा समाप्त हुई। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर माहौल है लगभग खुशनुमा, और इस माहौल में हालात इस वक्त ये हैं कि रात, आधी रात के बाद का ये वक्त है और यहाँ पर कोई सोया नहीं है। इस वक्त पूरा यहाँ पर एंटरटेनमेंट का माहौल है। दिन में जो किसान विधिवत प्रोटेस्ट करते हैं, इस वक्त वही किसान भाई, वही बड़े बुजुर्ग लोग एक दूसरे का यहाँ पर आवभगत कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए कि नतीजा हमारे पक्ष में होना चाहिए। मैं आपकी बात कराऊंगा यहाँ पर, मेरे साथ काफ़ी कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब से आए हुए हैं जी। क्या नाम है पापा जी आपका? मेरा नाम मगर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? जलालाबाद। कब से हैं यहाँ पर? कब से हैं यहाँ पर? परसों शामी आया। अभी मैं काफी समय से देख रहा था, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, गीत सुना रहे थे। किस, क्या बोलना चाहेंगे इस आंदोलन के लिए सरकार को, कुछ पॉजिटिव, या क्या आप सरकार से आपके मतभेद हैं, या किस तरीके से आप अपने गीतों के द्वारा सरकार को मनाना चाहेंगे आपके श्रीमुख? हम लोग कहते हैं कि सारे मिलके मेज पर बैठ के, विरोधी जिन्हें भी है मेज पर बैठ के ये मसले का हल करिए, लोग आपका धरना छिड़न, कामां ते जान, कारोबार हल हो रहा है। पांचवें चरण की वार्ता हुई है, 10वें दिन भी वो भी बेनतीजा। अच्छा, अभी तक तो यही हल है, आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। हाँ जी, हाँ। आपका गीत क्या कहता है सरकार को? अभी आप एक मोदी के लिए भी गीत सुना रहे थे, हाँ। वो वाला गीत हमारे दर्शकों के लिए, वो कहना है कि भी मतलब के लोका नु जगाउंदा, कमले मोदी नू चक लो वाहेगुरु कह के मोदी कमले नू, चक लो वाहेगुरु कह के मोदी कमले नू। ए चोरां दा यार नी बदलिए गल नी सुनदा साडी, विच गुस्से दे लाए धरने ए करदा बर्बादी, चार चपेरों रोकी दिल्ली असी सड़कां ते बह के मोदी कमले नू चक लो वाहेगुरु कह के। तो ये देखिए इस तरीके से चल रही है यहाँ पर रात, और किस तरीके से आधी रात के बावजूद भी, पूरे दिन भर प्रोटेस्ट करने के बावजूद ये लोग अभी सोए नहीं हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आतंकवादी हैं या यहाँ खालिस्तान के लोग आ गए हैं, तो उनको, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। किस तरीके से ये विधिवत लोग बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से विनम्र विनती कर रहे हैं, और रात के वक्त भी ये अपने इन कैंपों का ख्याल भी रख रहे हैं और इस तरीके से आपस में लोगों के मतभेद सुलझाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। आप कब से हैं यहाँ पर? सर मैं तो अभी आया हूँ, पहले 2-3 बार चक्कर लगा दिया मैंने, तो अभी अभी फिर आए हैं, तो देखने के लिए हैं अभी सब लोग कैसे हैं, कुशल मंगल हैं, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है जहाँ पे, तो जो चीज़ को चाहिए तो पंजाब में जाकर बताएंगे। जो हमारे दोस्त हैं जो वो हेल्प करना चाहते हैं वो हेल्प कर रहे हैं बार बार। आप कहाँ से हैं?
असी जी चंडीगढ़ तो आए हैं बठिंडा से, तो असी यही सारे भाईचारे को यही बेनती करते हैं कि सारा मसला सैट हो जाए तो असी घर जाइए आपदे सारे कोई काम कर छे, किसी ने मैरिज करनी है, किसी ने कुछ प्रोग्राम करने, वो सारे स्टक बैठे ने बेचारे, मजदूर इन्ने आए हुए ने, इन्ने बजुर्ग बैठे ने, कोई बीमार हैगा, कोई दवाइया लै रहा, कोई कुछ है ना, तो सरकार को चाहिए कि छेती फैसला देन आपका, लेट ना करना। देखिए आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सरकार जल्दी से जल्दी फैसला करे और जो लोग कड़कती ठंड में रात के वक्त सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, जिनको अन्नदाता कहा जा रहा है सरकार के ही द्वारा, और वही सरकार पांचवें चरण की वार्ता तक भी कोई हल नहीं निकाल पाई है। मैं आप सभी को बता दूं कि 28 देशों में इस वक्त लगभग आप लाइव चल रहे हैं। एक और गीत आपके मुख से मैं सुनना चाहूँगा, फिर हम इसको विराम देंगे। प्रदर्शन के पक्ष में या जो बात आप सरकार से कहना चाहें उसके लिए। सोचा सी असी कहिंदे काला धन आऊगा, अच्छे दिन साडे लई मोदी ही ले आऊगा, बंद कर ते खाते खलवा के लम्मी चीटी मार में तेरा पुली भाजपा मोड़ ते आके लम्मी चीटी मार में तेरा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जिस तरीके से ये आपने देखा कि किस तरीके से विधिवत शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ साथ ये लोग अपनी मांगे मनवाने के साथ साथ सरकार से विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, और लेकिन सरकार है अभी पांचवें चरण तक मानने को तैयार नहीं हुई। पांचवां चरण बीत गया है, आज 11वां दिन शुरू हो गया है। अब अगले दौर की बातचीत के लिए 9 तारीख तय की गई है, 11 से 12 बजे का वक्त रखा गया है, और उस वक्त के रहते आज अब अगला दिन शुरू हो गया है। आज यहाँ पर एक बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, किस तरीके से ये लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए आगे का रूप तय करेंगे इस प्रदर्शन के लिए। 8 तारीख को हालांकि इन्होंने भारत बंद की भी घोषणा की है, लेकिन भारत बंद किस स्तर पर, आज दोपहर में हमने सुना था कि दिल्ली भी कुछ करेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे 9 तारीख से पहले, सरकार जब करेगी जब करेगी, लेकिन जिस तरीके से हालात इस वक्त यहाँ पर हैं, हालात मैंने आपको दिखाए किस तरीके से इस वक्त मौजूदा हालात हैं और खुशनुमा हालात हैं, किसी का किसी से कोई तकरार नहीं और कोई गलत वक्तव्य यहाँ पर हमें नहीं सुनाई दिया गया। यही इसी तरीके से ताज़ा जानकारी हम आपके समक्ष लाते रहेंगे, रखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे ताज़ा हाल, सूरत हाल इस किसान आंदोलन का वक्त बेवक्त। हेमंत कुमार शर्मा, तनुज और सचिन के साथ सिंघू बॉर्डर से दिल्ली, वैन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के लिए।